गैस तो हम देखते हैं एग्जांपल एर्थ चैप्टर सेकंड का, ठीक है। तो देखो एग्जांपल एर्थ में क्या कह रहा है, कह रहा है डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x+5 बाई x-1 माइनस x²², ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहा है एंड वेरीफाई द डिवीजर एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखो हमें इसमें करना क्या है, इस वाले इसको हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, फिर जाके एक वेरिफिकेशन करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो इस तरीके से है, एग्जाम्पल एट में हमारे पास जो गिवन है उसमें लिखा है 3x² माइनस x³ माइनस 3x+5, इसको हमें यह डिवाइड करना है, वो भी किससे, x-1 और माइनस x²। देखो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एक चेक करनी होती है कि जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास है क्या वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है वो है ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है हमें सबसे पहले क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है उसे सबसे आगे रखना है, फिर जो सबसे छोटी पावर है उससे पीछे, इस तरीके से, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो क्या करेंगे, पहले इसे अरेंज करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के x³, ठीक है, प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, इस हमें डिवाइड करना है ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का x², ठीक है, और प्लस का x माइनस का 1, ठीक है, ये करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे नंबर को हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता रखा है, ठीक है, तो वही देखते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका पहला लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्या है मेरे पास, जैसे माइनस का x³ है, और फिर दूसरा इसका पहला लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है मेरे पास, वो सिंपल सा है, माइनस के x²। तो इसका मतलब है मेरे पास ऊपर 3 बार x लिखा है और नीचे कितने बार है, 2 बार x। देखो पहले माइनस से माइनस कट गया मेरा, 2x से 2x कटा, तो कितना बचा मेरे पास, x। तो जो ये बच जाता है उसे क्या है, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास जो बच गया उसे मैंने यहाँ लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इसको अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जैसे जब हम ये लिखते हैं तो जो पहला वाला है पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। जब हम इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो पहला वाला क्या है पूरा एज इट इज़ लिखते हैं, जो ऊपर है वो सेम लिखेंगे नीचे। फिर अब क्या करेंगे, इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, x² आएगा, ठीक है। ये प्लस का है, ये प्लस का है। फिर एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स को मैं करूँगा उसके अगले से, -1 से, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का एक्स आएगा। तो फिर क्या करूँगा मैं, देखो अब सबके ना मुझे साइन चेंज करने, जैसे प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, और फिर से क्या, जैसे मेरे पास ये प्लस का है तो मेरे पास यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस। तो पहला वाला हमेशा पूरा कट जाता है, ठीक है, पहले वाले को हमेशा बिना सोचे कुछ काट देना है। और फिर क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास फिर दूसरा है, अब यहाँ पे देखो अगर साइन अलग अलग है, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसका मैं इसमें क्या करना होता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना होता है, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना होता है, ठीक है। इसमें तो ये करना है, अगर ऊपर माइनस है नीचे माइनस है तो नीचे भी क्या है, प्लस हो के हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, प्लस हो के माइनस में आंसर आएगा। और अगर ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है तो क्या है, यहाँ पे प्लस हो के प्लस का आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन अलग अलग है, ठीक है, ये साइन मेरे पास ख़त्म हो गया, ठीक है, इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और जो बड़े का आगे साइन है वो लगाएंगे, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, 3x² में से अगर 1x² जाएगा, ये 1x² होता है, ठीक है, 3x² में से अगर 1x² जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपल 2x², ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो फिर दोबारा साइन क्या मेरे पास अलग अलग है, तो 3x में से अगर 1x जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे सिंपल सा माइनस का 2x, और जो बाकी है उसको एज इट इज़, ठीक है। फिर क्या करना है हमें,
देखो जैसे यहाँ तक आ गए, फिर एक वही सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। और प्रोसेस क्या, देखो हमारे पास फिर इसका पहला लो और इसका पहला, ठीक है, दोनों का पहला लेंगे तो 2x² और डिवाइडेड बाय -x² तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर ऊपर माइनस हो जाए नीचे माइनस, तो यहाँ पे माइनस तो आ जाएगा, ठीक है, x² से x² कटेगा तो माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, तो इस माइनस का 2 यहाँ लिख दो और जो पहला वाला है उसे एज इट इज सेम लिख दो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो मेरे पास माइनस का 2 है उसको मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, तो माइनस के 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ पे सिंपल सा माइनस का 2x आएगा। फिर माइनस के 2 को 1 से, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये भी है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। फिर सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन अपोजिट करने होते हैं, प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस, पहला पूरा कट गया, ठीक है, दूसरा क्या है वो भी पूरा कट जाएगा। और फिर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3, ठीक है, इतना आ गया। तो गाइस देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें जो इसमें एक वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना बता रहा हूँ कि इसमें वेरीफाई करते कैसे हैं, सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोएफिशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। गाइस देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला आपके आगे भी काम आएंगे, जो आगे एक्सरसाइज वगैरह उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। तो हम इसमें करना क्या होता है, जो हमें इन तीनों से डिविडेंड को दोबारा लेके आना होता है, ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिविडेंड कौन सा होता है, डिवाइजर कौन सा होता है। जैसे जो अंदर साइड होता है, ठीक है, वो मेरे पास होता है डिविडेंड, ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास डिविडेंड होता है, उसके बाद जो यहाँ पे होता है वो होता है डिवाइजर, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे ये यह होता है कोसेंट, और जो यहाँ पे क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल सा मेरे पास जो है डिवाइजर क्या है, ठीक है, डिवाइजर मेरे पास है, डिवाइजर जो है वो मेरे पास है माइनस का, ठीक है, जो डिवाइजर है मेरे पास वो क्या है, सिंपल x² और प्लस में x फिर माइनस का 1, ठीक है, ये मेरे पास डिवाइजर है। और फिर जाके जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास x-2 है, रिमाइंडर क्या है प्लस का 3, ठीक है। तो देखो अब हमें इसमें सॉल्व करना है, हमें इसको इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस में 3 रखना है लास्ट में, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस वाले को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे, ठीक है, और वैसे ही क्या है 2 को भी एक बार इससे करेंगे, ठीक है, 2 को भी एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है, इस तरीके से है। तो देखो अगर मैं एक्स को माइनस के एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा माइनस के एक्स का क्यूब आएगा। फिर एक्स को अगर मैं प्लस के एक्स से करता हूँ तो क्या आएगा प्लस का एक्स का स्क्वायर। फिर एक्स को अगर मैं माइनस के 1 से करूँगा तो माइनस का एक्स, ठीक है। फिर जाके क्या करना है मेरे को, जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, इस 2 को इन सब से करना है, अगर 2 को मैं करता हूँ माइनस के एक्स के स्क्वायर से तो माइनस का 2x का स्क्वायर। फिर जो मेरे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, फिर इस माइनस के 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स से तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो गाइस देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास माइनस का 2 है और एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस से प्लस का 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस के 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से करेंगे तो माइनस का 2x। फिर माइनस के 2 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है, और लास्ट में प्लस का 3। अब इससे क्या है हमें सॉल्व कर देना सिंपल सा, जैसे एक्स का क्यूब तो कोई सा नहीं है तो इससे सेम रहने दे, माइनस का एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3x का स्क्वायर।
फिर यहाँ पे ये माइनस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, तो माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3x और यहाँ पे प्लस का 3 और 2 5। ठीक है, तो गाइस देखो ये और ये हमारा क्या, हमें इन दोनों को मैच करना था। ठीक है, ये मैच हो गया तो हमारा क्या है, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल, हमारा जो सॉल्यूशन है यहीं तक था। ठीक है गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो जो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।